अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई एनसीपी ने सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने चढ़ाए फूल। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एनसीपी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंदाबाद और चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों के साथ छल किया है, उनकी शहादत बेकार न जाने पाए। इसके लिए अशोक गावड़े ने मोदी सरकार से चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सारा देश सैनिकों के साथ है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। गलवान घाटी में एक 4-5 दिन पहला हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। देश की सीमा सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया है, उसमें शहीद हुए हैं और शहीद होते टाइम ये देश के लिए उन्होंने अपने जी कुर्बानी दिए है। ये देश के नागरिक के प्रति हर एक का कर्तव्य होता है ये जवानों का आदर करना, उसको प्रोत्साहन देना और ऐसे ही जवान अपने देश में तैयार हो और देश प्रेम, देश सेवा ये हर एक नागरिक के मन में कार्यरत रहने के लिए अपन ऐसे कार्यक्रम देना जरूरी है। हम नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं अपने सभी की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से मैं ये शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और देश के नागरिकों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि ऐसे जवानों के पीछे हम सब एक साथ में खड़ा रहेंगे और उसको प्रोत्साहन देने का काम हम करेंगे। यही उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो, यही श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।